अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कितनी पुरजोश है खान साहब का जो प्लान है इसको कामयाब करने के लिए खवातीन? आपके सामने बहुत ज्यादा पुरजोश है और इंशाल्लाह ताला जो खवातीन का ये हजूम बाहर निकला है, पाकिस्तान की माएं बहन बेटियां निकली हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए और खान साहब को दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए, पाकिस्तान को करप्शन फ्री हुकूमत देने के लिए निकली है। क्या लग रहा है इंतखाबात में खान साहब को क्या देख रही हैं? क्लीन स्वीप और इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खुशामदीद। खवातीन को आप लीड करती हैं, आपको क्या लग रहा है कि मरियम नवाज भी खुद मैदान में आने वाली है और खवातीन की जो तवज्जो है अपनी तरफ लेने वाली है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, उनकी तवज्जो हो ही नहीं सकती। सब लेडीज की आवाम इस वक्त जागी हुई है, उनकी तवज्जो सिर्फ खास आपके ऊपर है क्योंकि वो करप्शन नहीं करते और पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और हम सब खान साहब के साथ खड़े हैं। आपको लगता है जिन्होंने खान साहब को निकाला था आने देंगे खान साहब को? अब मेरे ख्याल में अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं, आएंगे खान साहब इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या करने आई है मिस जी? यहाँ पे हम खान साहब के साथ हमदर्दी के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए और खान साहब की मोहब्बत में आए हैं। अब ये पूरी कौम खान साहब से बेतहाशा मोहब्बत करती है, तो जो वो फैसला करेंगे आज, चाहे वो असेंबली डिसॉल्व करने का हो या उसको डिले करने का हो, तो हम खान साहब इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन आएंगे तो उनकी पोजीशन कहाँ देख रही हैं आप? खान साहब की पोजीशन बहुत ऊपर है इस दफा। इस दफा आपको असेंबली में सिर्फ पीटीआई ही नजर आएगी, बाकी ये बाकी पीडीएम की 13 जमातें तो आप समझेंगे वो क्लीन स्वीप हो जाएगा, आटे में नमक के बराबर होगा इनका। इलेक्शन आए ऐसा तो नहीं होगा कि खवातीन घरों में सोती रह जाएंगी और इलेक्शन का दिन गुजर जाएगा? मैं तो बचपन से इलेक्शंस की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि कभी ईद की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी मुझे कि जब इलेक्शंस होते तो पूरा हम लोग फुल फ्लैज इलेक्शंस की और एक पूरा एक कार्निवल की तरह उसमें बड़ा ईगरली वोट कास्ट करना, वो सारा लोगों की गैदरिंग्स को देखना। तो अब तो हमारा अपने खान साहब का इलेक्शन है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जो जो सोए पड़े होंगे ना उनको हम जगा लेंगे। वैसे तो खान साहब ने कौम को जगा दिया है, अब ये कौम सोने वालों में से नहीं है। लेडीज आप देख लें कि हमारी चेयर्स खत्म हो गई हैं और काफी लोग आपको लेडीज खड़ी हुई नजर आएंगी। हमारी मैनेजमेंट को कहते हैं अब मुझे चेयर्स के लिए जो है हम बताएं हम कहाँ लगवाएं चेयर्स, इतनी जगह ही नहीं है। थैंक यू।